हाय एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे कि आप किसी के भी पिक्चर से ऐसे ट्रेंडिंग फुल स्क्रीन व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे, तो फुल स्क्रीन वाली रेशियो को ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके आपको जो बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड करनी है उसको आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पिक्चर को ऐड कर लेती हूँ। ओके, एंड अब इसमें पोजीशन को ऐड कर लेंगे, तो स्क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पोजीशन को रख लेते हैं एंड इसको इक्वल कर लेंगे। एंड इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से कैप्चर कर लेंगे, कैप्चर एंड सेव फ्रेम। ओके, ये इमेज हमारी फाइल में सेव हो गई है एंड अब इसके कलर को चेंज कर लेंगे। तो कलर फिल्टर में आना है एंड इसको ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे एंड इसके विग्नेट को ऑन कर लेते हैं एंड इसको एंड तक रख लेंगे, आई मीन 30 सेकंड्स तक। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर रही हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड अब क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आना है एंड इसको एनेबल कर लेंगे एंड यहाँ ब्लू कलर ऑलरेडी ऐड हो गया तो इसको बस एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे, तो फिर से फुल स्क्रीन वाली रेशियो ले लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके जो जिस पिक्चर को हम लोगों ने कैप्चर किया था उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे एंड इसमें भी पोजीशन को ऐड कर लेंगे, इसको इक्वल रख लेते हैं एंड इसको भी 30 सेकंड्स तक रख लेंगे। ओके, इसके बाद हमने जो वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड फिर से क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आना है एंड इसको एनेबल कर लेंगे एंड यहाँ ग्रीन कलर ऑलरेडी ऐड हो गया तो इसको बस एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर रही हूँ, इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसको ब्लेंड कर लेंगे तो इसको स्क्रीन करना है। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है। इसके बाद यहाँ से शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार, आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं।